बीजेपी सिंधिया के एक और बड़े नेता कांग्रेस में घर वापसी कर लिया है। मध्य विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग चुका है। सिंधिया समर्थक नेता राकेश गुप्ता ने घर वापसी कर ली है। शिवपुरी के भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले दल बदलने की सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता भी वापस में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीते दिन उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राकेश गुप्ता को कांग्रेस में शपथ दिलाई। वही कांग्रेस में वापसी करते ही सिंधिया समर्थक नेता ने पार्टी को लेकर तारीफ में कशीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि आज मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ। कांग्रेस मेरी जननी है और कांग्रेस मुझे नाम और सम्मान दिया है। मेरा तन मन वचन कांग्रेस का है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर सकते हैं।